हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुक बुक। क्या हाल चाल हैं आप सबके? तो आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 3 फ्ले चिकन फ्ले। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। टिक्का मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप लोग घर का बनाया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये मैरिनेट होगा और हाफ एन आवर हो जाएंगे, उसके बाद हम पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और उसके बाद हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे। जब तक चिकन के पीसेस हो रहे हैं फ्राई, तो हम ले लेंगे एक और पैन और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ बटर मक्खन के। और 2 टेबल स्पून ऑफ मक्खन शामिल करने के बाद हम इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये मेल्ट होगा, इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। ये मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर के ऑल पर्पज़ फ्लावर, जिसको कहते हैं मैदा, और अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। ओवर कुक मत कीजिएगा, वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा इसका। अच्छे से स्टर करने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 कप मिल्क के। और इसको अच्छे से आप मिक्स करते रहें ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तो लम्प्स नहीं बनेंगे और वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ऑफ मिक्स हर्ब्स नहीं हैं तो आप ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आपने लो टू मीडियम हीट ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाइएगा। अच्छे से मिक्स करते रहें, लम्स नहीं बनने दीजिएगा। मिक्स करते रहेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चिकन स्टॉक का, जो क्यूब्स आते हैं। मैंने मैगी का यूज़ किया, आप नॉर का या किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पास्ता। मैंने पैनी पास्ता यूज़ किया है, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2.5 कप लिया है और ये 4-5 सर्विंग है। और जी ये गई इसमें अब चिकन, और जो पकी हुई हमारी चिकन थी इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे से एडजस्ट हो सके। और हीट आपने लो ही रखनी है। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव्स। ऑलिव शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और ये जी मज़ेदार सा रेडी है। अब इसको आप अच्छे से डिश आउट करें, सर्व करें। ये 4-5 सर्विंग है और बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।